ओके, तो आज का टॉपिक सबको मालूम है, जीसस फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ, यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि हम अभी कभी कई हफ्तों से हम यीशु मसीह के जो विरोधाभास, जो नाम है, जो उसके कर्तव्य, उसके काम है, उसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। सो ये इस नाम में पैराडॉक्स यानी विरोधाभास कहाँ है? ठीक है, तो हम विरोधाभास शीर्षक और काम का अध्ययन कर रहे हैं, और इस ये जो हमने विषय लिया है, हमने जो टॉपिक लिया है, ग्रेस, जीसस क्राइस्ट फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ, इसमें विरोधाभास कहाँ पर है, कोई बता सकता है? कि यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ, तो इसमें विरोधाभास कहाँ पर है? ये दोनों चीजें किसी व्यक्ति में होनी चाहिए। ये हमारा भी हमारी भी इच्छा रहती है कि हम में दोनों ये चीजें होनी चाहिए। तो इसमें विरोधाभास कहाँ पर है? वेर इज द पैराडॉक्स इन दिस टू टाइटल्स, कोई बता सकता है? अगर आपने क्या पूछा समझ में नहीं आया। अभी हम क्या अध्ययन कर रहे हैं कि बहुत सारे यीशु मसीह के नाम है, शीर्षक है, जिसमें हमको लगता है कि उसमें दोनों एक दूसरे के विरोध में है। जैसे हमने देखा कि वो मनुष्य का पुत्र है और परमेश्वर का भी पुत्र है, तो ये दोनों एक व्यक्ति मनुष्य का पुत्र हो सकता है, वो परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है? और अगर वो परमेश्वर का पुत्र है तो मनुष्य का पुत्र कैसे हो सकता है? तो ये दोनों चीजें अलग अलग है ना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में ये दोनों चीजें एक साथ है। उसी तरह यीशु मसीह अनुग्रह से भरा हुआ है और वो सच्चाई से भी भरा हुआ है। आपने कभी सुना है? ठीक है, आगे चलते हैं। अनुग्रह क्या है? व्हाट इज ग्रेस? किसी को मालूम है? हम बहुत बार पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अनुग्रह से भरा हुआ है, तो इसका अनुग्रह, इसका मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब है जो हमें, जो हम पा नहीं सकते वो उसने दिया, वो अनुग्रह। We don't deserve, but yet we get. Yeah. Okay. We are not deserving. आमका फावा नू, पण आमका देव दिता ते, by grace. Okay, Celia, you are with us. Thank you. Okay, yeah, correct answer. So, अनुग्रह यानी ग्रेस इज द काइंडनेस ऑफ गॉड। तो ओके, सो ग्रेस इज काइंडनेस ऑफ गॉड, तो ये परमेश्वर की दया है। अनुग्रह क्या है? परमेश्वर की दया है। इट इज अ काइंडनेस विच वी डोंट डिजर्व। ओके, ये जो परमेश्वर की दया है उसके हम हकदार नहीं हैं, उसके काबिल नहीं हैं, उसके योग्य नहीं हैं, परंतु परमेश्वर वो दया हम पर करता है। ओके, अनुग्रह परमेश्वर की दया है। ओके, सो काइंडनेस, ग्रेस इज काइंडनेस ऑफ गॉड, एंड दिस काइंडनेस वी डोंट डिजर्व। ऐसी दया
है जिसके काबिल हम नहीं है, तो हम किस व्यक्ति को दयालु कृपालु कह सकते हैं? किस व्यक्ति को हम अनुग्रहशील कह सकते हैं? Whom, when do we call a person gracious? किसी के पास उत्तर है? हम किस व्यक्ति को अनुग्रहशील कह सकते हैं? कोई बोल सकता है? हेलो, प्रश्न समझ में आया? When someone has see always like you know किरण आस्था ना तो आता पाए आमी कौन है किरण दीता नू आने आने आमी expect ही करता in return मुझे आप क्या कोई में होते हैं पर जो मनीष without thinking in return मुझे आप लोग को तुम में होते हैं ना है मुझे तुम दीता पाए तेरा graceful मुन्ना okay okay okay, good okay, answer. I feel that. Good answer. Yes, good answer. Sometimes some people don't deserve. Yeah. But yet you give him. Yeah. The first point I want to say is we call a person very gracious when we listen to his speech. When we जब हम किसी के बातें सुनते हैं उनकी बातों से हमें उसमें कृपा यानी अनुग्रह हमें नजर आता है. जिस तरह से हम बात करते हैं उसमें हमें अनुग्रह पता चलता है. कोई बहुत गुस्से से बात कर रहा है, बहुत तिरस्कार से बात कर रहा है, तो उसमें हमें वो अनुग्रह नहीं दिखेगा. सो व्हेन वी यूज वेरी हार्श वेरी रूड लैंग्वेज वी फील दैट देयर इज नो ग्रेस. सो इन आवर स्पीच इन अ पर्सन स्पीच यू कैन अंडरस्टैंड whether he is having grace or not. ठीक है. When we experience kindness in place of punishment, okay, जब हमें किसी शिक्षा की शिक्षा मिलनी चाहिए लेकिन उस शिक्षा की जगह वो हम पर दया दिखाता है, उसे हम बहुत अनुग्रहशील कहते हैं, कृपालु कहते हैं. तो कभी ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिला है जिसने हम पर गुस्सा होना चाहिए था लेकिन वो गुस्सा नहीं हुआ? वो हमें शिक्षा मिलनी चाहिए थी लेकिन उसने हमें शिक्षा नहीं दी. ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिला है कभी? ओके, तो ऐसे व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है. ओके, सो इट्स वेरी रेयर टू गेट सच पीपल. तो हम किसी व्यक्ति को बहुत अनुग्रहशील कहते हैं जब हम उसके भाषण सुनते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं, उसका बोलना सुनते हैं. जब हम सजा के स्थान पर दया का अनुभव करते हैं. तीसरी, तो ऐसे व्यक्ति को आपने कभी देखा है? ऐसे लोग बहुत दुर्लभ है, मुश्किल से मिलते हैं. ठीक है, नजर समझ आ रहा है? ओके, हाँ ब्रदर. हाँ, अभी तक कुछ डिफिकल्टी है, समझ में नहीं आया? समझ आ रहा है ना? ओके, ठीक है. तो सच्चाई क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? कोई बता सकता है? प्रभु यीशु मसीह, हमने वो वचन पढ़ा नहीं, हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का 1:14. यूहन्ना 1:14 उसमें लिखा है कि यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था. यूहन्ना जॉन चैप्टर 1:14. ओके, आई फॉरगॉट टू राइट इट इन द ऑन माय स्लाइड. ओके, सो सच्चाई क्या है? ट्रूथ, व्हाट इज ट्रूथ? कोई बोल सकता है, बता सकता है? हेलो, नहीं सब गए. ठीक
ठीक है, इसको मालूम नहीं है तो बताता हूँ मैं। सच्चाई यानी वो जो सच्चाई, हाँ सच्चाई यानी जो सच में है, जो वास्तव में सत्य है, ओके, उसके अंदर देर इज नो फॉल्सहुड, उसके अंदर झूठ नहीं है, उसमें देर इज नो डिसिट, उसमें कोई क्या बोलते हैं उसमें, हाँ हाँ कपट नहीं है, वो दूसरे को फंसाता नहीं है, देर इज नो हिपोक्रेसी, उसमें कोई ढोंग नहीं है, वो ढोंगी नहीं है। सो सत्य है जो असली चीज है, जो सच में है, उसमें कोई झूठ नहीं है, उसमें कोई धोखा नहीं है, उसमें कोई पाखंड नहीं है। तो ये है सच्चाई। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सत्य जीवन और मार्ग हूँ, हाँ मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो हमारा जो परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, उसमें कोई भी असत्य नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। तो फिर इसमें विरोधाभास कहाँ है, इसमें पैराडॉक्स कहाँ है, कोई बोल सकता है? Anybody? No, I can't find any paradox. Then why grace did it, and truth. Yeah, so why did we take this as a paradox? Why do you think there is a paradox in this? इसमें विरोध कहाँ पर है? Some two terms which look opposite, which are contradictory. Okay, so if nobody is able to... Let me give a try. Truth means how the law says, meaning for sin, for breaking the law, there is punishment. But paradox is what, according to Christ, by grace we are saved. We are not deserved to be punished. Yes, you are correct. So let's see what I have written. Correct? Yes, you are correct. the gracious person is like honey. जो अनुग्रहित व्यक्ति रहता है वो एक शहद के समान मीठा होता है. लेकिन जो सच्चाई बताता है, जो सच होता है, वो एक कड़वी दवाई के समान होता है. Okay, the truthful person is like a bitter pill. It's very bitter. You cannot take it. So, for example, as Celia said, the law of God is very straightforward. It is very bitter. It will point you all your faults. परमेश्वर का जो वचन है वो हमें हमारी सच्चाई दिखाता है. वो एक कड़वी दवाई के समान होता है. वो हमारे सारे पाप हमको दिखा देता है. लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो उसमें हमें एक मिठास नजर आती है. वो एक शहद की तरह मीठा है. अ ग्रेशियस पर्सन वोंट पिनपॉइंट रॉन्ग आउट ऑफ फियर ऑफ हर्टिंग समवन. एक जो अनुग्रहित व्यक्ति होता है वो दूसरों के जो बुराई है वो उनको नहीं दिखाता, क्योंकि उसको डर रहता है कि वो किसी को दुख देगा, वो उसके कारण किसी को दर्द हो जाएगा. इसलिए वो दूसरों के जो गुनाह है वो उनको दिखाता नहीं है. बट अ ट्रूथफुल पर्सन विल स्पीक द ट्रूथ इवन इफ इट इज गोइंग टू हर्ट समवन. लेकिन जो सच्चाई वाला व्यक्ति रहता है वो
सच्चाई बोल देता है, चाहे किसी को उससे कोई दर्द हो या उसको बुरा लगे। ओके, सो कृपालु व्यक्ति एक शहद के जैसा होता है, सत्यवादी व्यक्ति को कड़वी कड़वी गोली की तरह होता है, और कृपालु व्यक्ति जो होता है वो दूसरों को दूसरों की गलत काम उजागर नहीं करता, क्योंकि उसको डर होता है किसी को डर बुरा लगेगा। लेकिन एक सच्चा इंसान सच बोलने के लिए नहीं डरता, चाहे किसी को उससे कोई चोट पहुंचे। ठीक है, कैन यू अंडरस्टैंड? यस यस सर यस। सो अ ग्रेशियस पर्सन विल ऑलवेज शो ग्रेस। एक कृपालु व्यक्ति वो सिर्फ दया दिखाता जाता है, उसको कभी गुस्सा नहीं आएगा, वो किसी को टोकेगा नहीं, किसी को दर्द नहीं करेगा, ये उसका स्वभाव है। वो सच बोलने से डरेगा, लेकिन जो सच्चाई बोलने वाला व्यक्ति है वो किसी पर दया नहीं दिखाएगा, वो सच बोल के छोड़ेगा, किसी को दर्द हो किसी को उससे चोट पहुंचे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंस। सो ग्रेसफुल, ओके, सो ही विल ओनली शो ग्रेस, ओनली बी काइंड, ओनली बी गुड, हिज स्पीच विल बी नाइस, वंडरफुल, फुल ऑफ शुगर। बट द पर्सन हु इज ट्रूथफुल, ही विल स्पीक द ट्रूथ, देयर मे नॉट बी एनी काइंडनेस, नथिंग। ओके, ही विल गो ऑन कटिंग द अदर्स विद द ट्रूथ। But when we so a graceful person cannot be, you know, very strict person, and a strict person may not be very graceful. Okay, but these are not watertight compartments. But what do we see in Jesus? Do we see anything in Jesus? He was a blend of both. He was graceful also, but at that time he was true. He spoke the truth also. Yes. Yeshua Masih क्या था? दोनों दोनों गुण उसके अंदर थे। उसके अंदर दोनों गुण थे। He had both these qualities. He was full of grace. We are not full of grace. We are short of grace. वो अनुग्रह से परिपूर्ण था, लेकिन हम अनुग्रह में बहुत ही कम है। He was full of truth. वो सत्य ही है, हमारा परमेश्वर पूरी तरह से सत्य है। वो सत्य का he is the truth and he is full of truth. हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुद सत्य हूँ। He said I am the truth. Both the opposite characteristics at the same time. ये दोनों जो चीजें हैं जो एक दूसरे से विरोध है, ये दोनों चीजें एक साथ प्रभु यीशु में मौजूद है। बोथ दिस ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन द सेम पर्सन सेम टाइम। सो इजंट इट अमेजिंग? ओके, इजंट इट वंडरफुल टू हैव बोथ द क्वालिटीज, फुल 100% ग्रेस 100% ट्रूथ। ओके, सो मेनी टाइम्स वी हैव 90% grace, 90% truth, or sometimes 90% truth and 10% grace. We are not full of both. Okay? So, उसके पास दोनों गुण थे, वह अनुग्रह से भरा हुआ था, वह सच्चाई से भरा हुआ था, एक ही समय में दोनों विपरीत विशेषताएं उसके अंदर थी, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. No, others are understanding, no? Only you are understanding. How many people are there? आ रहा है समझ में। आ रहा है. Okay. आ रहा है तो अच्छा है। Thank you. Okay. आगे बढ़ेंगे।
तो इसका मतलब क्या है कि जो सत्य है वह ओके द ट्रूथ मस्ट बी स्पोकन विद ग्रेस, सत्य जो है उसको अनुग्रह के साथ बोलना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कोई एग्जांपल दे सकता है? हेलो, वो पेचा उतरानी वो लोपक जाए। हाँ, एग्जांपल एग्जांपल एग्जाम्पल इज वेन यू आर शेयरिंग द गॉस्पल, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू टेल दैट मैन इज सिनर, बट देन यू शुड एंड यू शुड ऑल्सो एम्फसाइज दैट सिन विल लीड यू टू डेथ, दैट इज हेल, बट यू हैव टू टेल इट ग्रेसफुली, यू कैनॉट से यू आर सिनर एंड यू आर गोना गो टू हेल लाइक दैट, सो यू हैव टू बी ग्रेसफुल वाइल टेलिंग इट बाय लाइक शोइंग देम द स्पीकिंग द पॉजिटिव पार्ट, लाइक हाउ यू विल how Jesus can save you in that. Yes, very good example. तो सत्य जब हम किसी को उसके उसके दुर्गुण नहीं तो उसके कोई गलतियाँ जब हम दूसरों को बताते हैं तो वो हमको वो एक सच है। जब हम गलतियाँ करते हैं तो एक वो उसको हमने जाके उसको बताना है कि ये तुम्हारी गलती है, तो उसको कैसे बोल सकते हैं? एक तरीका है उसको जाके उसको झाड़ना, उसको पीटना, उसको मारना। हाँ, हम बातों से मारते हैं लोगों को, ये एक हम कर सकते हैं। नहीं तो हम उसको बड़े प्यार से उसको समझा कर उसको बोल सकते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, ये गलती तुम छोड़ो और प्रभु के पास आओ, क्षमा मांगो और ये छोड़ दो। अगर ये सब नहीं किया तो हम वो व्यक्ति टूट सकता है अंदर से। उसको हमने नहीं तोड़ना है, उसको परमेश्वर ने तोड़ना है। परमेश्वर ने उसके हृदय से बात करके उसको एक पश्चातापी अंत कर देना है। वो हम नहीं दे सकते उसके अंदर पश्चाताप, हम उसके अंदर पश्चाताप हम नहीं जगा सकते, तो परमेश्वर नहीं उसको जगाना है। तो प्रभु यीशु मसीह जब वो लोगों के साथ बात करते थे तो वो उनके बातों में ऐसे इतना अनुग्रह होता था कि लोग बोलते थे कि उसके जैसा कोई बात ही नहीं करता। उसके बातों में एक अधिकार था, वो जो जो कुछ बताता था वो सत्य था, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। और जब वो सच बताता था वो बड़े प्यार से बताता था। जब वो एक स्त्री को पकड़ा गया बुरा काम करते वक्त और उसको लोगों ने बताया कि इसको पत्थर से मारेंगे और उसको ख़त्म करेंगे, उसको लेके आए प्रभु यीशु मसीह के पास। लेकिन जब जब वो यीशु मसीह के पास लेके आए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या कहा? उसको उसको पत्थर जिसमें कोई दोष नहीं उसने पहले पत्थर मारा। हाँ, उसको अधिकार था कि वो पहले उसको पत्थर मार सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जिसके जिसने कभी पाप नहीं किया वो पत्थर मारो, सब चले गए। उसने उस औरत से क्या कहा? उसको डांटा, उसको बताया। हाँ, उसको बताया कि अरे तुम कितना कितना पापी हो। हाँ, ऐसा नहीं बताया उसको। उसको क्या कहा कि तुमको जो पत्थर मारने वाले थे वो कहाँ गए? हाँ, उसने कहा कि मैं भी तुम्हें दोष नहीं देता, तुम घर जाओ और इसके बाद पाप मत करो। जब उसके बीच में वो औरत थी, उसको पता चला कि ये बहुत बड़ा ये प्रभु है, ये परमेश्वर है। उसकी बातों से, उसके स्वभाव से उसको परमेश्वर का अनुग्रह पता चला और उस वो औरत का जीवन बदल गया। तो अगर हम
हमारी बातों में अगर इफ यू आर नॉट ग्रेसफुल या इफ यू आर नॉट ग्रेसफुल इफ यू आर नॉट ग्रेसफुल देन नो वन इज गोइंग टू हीर यू. ओके, कोई अगर हमारे बातों में अनुग्रह है तो कोई हमारे नहीं सुनेगा, भाग जाएंगे सब. योर स्पीच मस्ट बी सीजन्ड विद सॉल्ट, हमारे जो बातें होती है उसमें थोड़ा नमक होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए. यू मस्ट बी अ पर्सन हु स्पीक्स ट्रूथ विद ग्रेस, हम ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो हमारे बातों में बहुत ही अनुग्रह होना चाहिए, तभी हम यीशु मसीह के पीछे जाने वाले उसके चेले बन सकते हैं. ओके, सो अगर आप आपकी बातों में कृपालुपन नहीं है तो कोई आपके बातों पर ध्यान नहीं देगा, आपके भाषण आप जो बोलते हैं उसमें एक स्वादिष्ट होना, स्वादिष्ट वो आपकी बातें स्वादिष्ट होना जरूरी है, उसमें रुचि होनी जरूरत है. तो आप ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो अनुग्रह के साथ सत्य बोलता हूँ, तभी हम यीशु मसीह के अनुयायी बन सकते हैं. ठीक है, अगर आपके अगर आपके बातों में अगर कृपा नहीं है तो आप क्या होंगे मालूम है? हेलो, कैसे ब्रदर? अगर आपके बातों में कृपालुपन नहीं है तो क्या होगा? मालूम है आपको? ओके, मालूम नहीं है? ओके, ये देखो, अगर कोई सिर्फ सच्चाई बोलता है तो वो किस तरह होता है मालूम है? हाँ, ये इस तरह होता है. आया नजर आया? यस यस यस. अगर ये आपको रात के अंधेरे में नजर आया तो क्या करेंगे आप? हम डर जाएंगे, डर जाएंगे, हम भाग जाएंगे, सच से डर जाएंगे. हाँ, सच बहुत ही डरावना होता है अगर सिर्फ सच डालेंगे. हाँ, अगर इसको डरावना, जो डरावना है उसको अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? What you can do for this person so that he will look graceful? Take a mask now, the bottle. Yes. Okay. तो अगर आपको ये देखो, ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ा कपड़ा डालना पड़ेगा. You should not put your photo. No. I'm not graceful. Okay. So he's the same person. अगर इसका सब mask सब निकालेंगे तो एक डरावना होता है. Okay. लेकिन उसके ऊपर आप थोड़ा सा चमड़ा, उसको थोड़ा सब डालेंगे, उसको जो जरूरत है, तो वो एक एक व्यक्ति बनता है, उससे कोई डरेगा नहीं. ठीक है, तो हमें क्या बनने की जरूरत है? अगर समझो कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ हड्डी की तरह आया होता तो क्या होता था? सब लोग उससे डरते थे, सब लोग डर जाते थे, डर के उसको मुझसे भागते थे. लेकिन वो हमारे लिए पूरी तरह से इंसान बनकर, और वह पूरी तरह से अनुग्रह, ग्रेस और ट्रूथ से भरा हुआ था. इसके लिए कोई उससे डरा नहीं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ. तो आज हमने क्या सीखा, कोई बोल सकता है कि हमने क्या सीखा आज? Yes. सत्य और अनुग्रह. हाँ, ठीक है. और यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में है वो अनुग्रह और सत्य. हाँ, यीशु मसीह अनुग्रह और सत्य दोनों से भरा हुआ है. और ये दोनों
विरोध में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में वो परिपूर्ण होते हैं। यीशु मसीह जब हमसे हमको देखते हैं, वो उनको बहुत ही हमारी दया आती है। हम बुरे काम करते हैं, लेकिन वो हमसे हमारा द्वेष नहीं करता, वो हमसे प्यार करता है। हमारे बुरे कामों को द्वेष करता है, लेकिन हमारा द्वेष नहीं करता। वो हमें सच्चाई बताता है, लेकिन अनुग्रह से। वो हमें मारता पीटता नहीं, वो बुरी गाली देके हमसे बात नहीं करता, वो बड़े प्यार से हमसे बात करता है। तो इसी तरह हमें ही प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के कारण हम उसके जैसे होने की जरूरत है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। तो यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ।